हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब SSC HSL 2021 के 5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। ए इफ ए गेट्स 25% राइज इन इज इनकम एंड बी गेट्स 40% राइज इन इज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कम्बाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी। तो ये ए है हमारा, ये बी है और इनकम ये है 40% लेस देन दैट ऑफ बी। बी का 100 है तो ए का कितना हो गया, 60 है। ए का हमारा 60 हो गया, ए का 60 हो गया। उसके बाद इफ ए गेट्स 25% राइज इन हिज इनकम, ए का 60 का 25% अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये 4, ये 5, ये 15, ये हमारा हो गया 75। इफ ए गेट्स 25% राइज इन इनकम, बी गेट्स 40% राइज इन हिज इनकम, बी में कितना होता है 40% होता है, देन द परसेंटेज इंक्रीज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। पहले कितना था, पहले था हमारा 160 था, 160। अभी कितना है हमारा, 215 है। तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ है, इस दोनों में कंपैरिजन करें तो 55/160×100। तो ये हमारा आएगा 5 times, ये हमारा आएगा 8 times, तो 8 8 3 जा 38%, 34.38%, जो हमारा ऑप्शन ए में है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 44, द सेवंथ नंबर इज 6 लेस देन द 6th एंड द 7 लेस देन द 8th नंबर, द एवरेज ऑफ द 6th एंड द 8th नंबर इज। तो 18 नंबर कितना हमारा, 42 है, 18 into 42 इक्वल टू लास्ट 10 कितना है, 10 into 40 प्लस 5 into 44, उसके बाद 5 into 44, उसके बाद हमें जो है 7th नंबर क्या होगा, 6th नंबर क्या होगा, 8th नंबर क्या होगा, 8th क्या होगा। तो क्या है, दैट ऑफ द लास्ट 5 नंबर, 7th नंबर 6th अगर हम x मान लेते हैं तो 7th नंबर हमारा कितना हो जाएगा, x-6 हो जाएगा, ओके। और 8th नंबर क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा अगर आप +7 ऐड करेंगे तो। उसके बाद तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल किस सेट है, 3x हुआ -5 हो गया, -5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो +5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 प्लस 220 प्लस 3x, उसके बाद अगर सॉल्व करें +620 प्लस 3x
इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 47 हो गया। उसके बाद हमारा किसका सिक्स्थ और एट नंबर का एवरेज, सिक्स्थ नंबर कितना हो गया x हो गया, x मीन्स 47। सेवन्थ नंबर हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ और एट है नंबर, एट नंबर, तो ये हमारा हो गया 47 प्लस एट 48। तो 47 प्लस 48 बाय टू करेंगे कितना आएगा 95 बाय टू, तो 95 बाय टू क्या हो, कितना हो जाएगा हमारा 47.5, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, तो ये इज द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इधर ए स्क्वायर दिखे, इधर इधर ए दिखे, तो यहाँ पे टू है, तो हमें समझना होगा ए का क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू ए का कोफिशेंट कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, बाय ए स्क्वायर कोफिशेंट क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय थ्री। उसके बाद बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी का कोफिशेंट यहाँ पे टू है, उसके बाद यहाँ पे b क्या है फोर है, तो ये हमारा हो जाएगा वन बाय टू। उसके बाद c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, c इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 28 है, 28 बाय यहाँ पे क्या है 49 है, 49 हो गया, तो ये 4 बाय 7 हो गया। अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ए का कितना है, माइनस वन बाय थ्री, माइनस वन बाय थ्री प्लस टू बी, प्लस टू बी मीन्स प्लस वन माइनस सी, माइनस फोर बाय सेवन। ट्वेंटी वन माइनस नाइनटीन बाय ट्वेंटी वन इक्वल टू टू बाय ट्वेंटी वन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम लोग पी का वैल्यू टू, पी का प्लस पे टू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमको टू टू जा फोर, फोर माइनस थ्री बाय फाइव हो जाएगा, मीन्स ये बी है ये एच है, तो पी हमारा कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। कॉस्टेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्टेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाय पी, मीन्स फाइव बाय फोर हो जाएगा। तो चलिए हर ऑप्शन में हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम पी के प्लस पे टू रखें तो टू टू जा फोर, ऑप्शन ए में हमारा आ रहा है फोर बाय वन माइनस फोर मीन्स थ्री, फोर बाय माइनस थ्री तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में अगर हम लोग देखें वन प्लस टू टू जा फोर, फोर टू टू जा फोर मीन्स फाइव बाय फोर, ये हमारा आ रहा है जो कि इससे मैच कर रहा है, तो हमारा बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 और अबव इज ए इज टू बी, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए। तो 450 लेस देन 450, 450 से लेस कितना का है, 30 का है। उसके बाद 600 से अबव कितने का है, तो 55 प्लस 35 तो 90 हो गया, तो ये अगर कैंसिल आउट होकर के 1 बाय 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बी माइनस ए कितना हो जाएगा, तो बी माइनस ए कितना का हो जाएगा डिफरेंस, 2 यूनिट को हो जाएगा, 2 को हो जाएगा, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन में हमारा है एक 9 डिजिट का नंबर है जो कि डिविजिबल है 72 से, तो हमें बताना है रूट अंडर 6x प्लस 6y क्या होगा। तो
जो 72 से डिविजिबल है वो 8 से और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि लास्ट थ्री डिजिट जो है 8 से हमारा डिविजिबल होना चाहिए, तो y के प्लेस पर हम क्या रखेंगे कि 8 से डिविजिबल होगा तो 4 हो जाएगा। तो जैसे कि 784 है तो 8 9 72 64, यस y इक्वल टू 4 हो गया। अब सारा को ऐड करेंगे, अगर 9 से वो डिविजिबल हो जाएगा तो हमें समझना है वो टोटल नंबर जो है वो कंप्लीट 9 डिजिट का नंबर जो है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, 4 8 4 8 12, फोर्टी नाइन प्लस एक्स इक्वल टू 9 से डिविजिबल मीन्स कि कौन हो जाएगा हमको 54 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया। तो अब हम लोग रूट अंडर 8x, 8 5 40 प्लस 6y 24, ये कितना हो जाएगा हमारा 64, ये इक्वल हो जाएगा 8 के, 8 हमारा ऑप्शन सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये जो है किसी कार्य को कर सकता है, ये 60% ए कैन डू 60% ऑफ ए वर्क इन 18 डेज, बी वाइल बी कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज ओनली, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए जो है 60% मीन्स क्या गया, 3/5 तो 18 है, तो 18 को हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा मीन्स 30 डेज में ये कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी 40% करता है 10 डेज में, मीन्स 2/5 मीन्स 5/2 मीन्स ये 5 टाइम्स कटा, ये कितना आ गया 25 आ गया। उसके बाद इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये 6 टाइम्स में हो जाएगा, दोनों जो है 10 डेज करता है, तो 110 हुआ, तो कितना बच गया हमारा 40 बच गया। सी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 40/4 मीन्स 10 हो गया हमारा सी का एफिशिएंसी। अब जो है सी कंप्लीट द सेम वर्क इन, तो टोटल वर्क कितना है 150, तो 150/10 मीन्स 15 डेज में जो है हमारा जो है सी पूरा काम को कंप्लीट करेगा। अब हम सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ बी सी इज लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाय 2 cm, द लेंथ ऑफ बी सी ए बी का हम अगर एक्स मान लें, द लेंथ ऑफ बी सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाय 2 cm एंड द लेंथ ऑफ ए सी एक्सेड द लेंथ ऑफ ए बी बाय 6, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। ओके ये x प्लस 6 हो गया, ये 2x-2 हो गया, तो पेरीमीटर कितना है 60 है पेरीमीटर, तो सब सारा को अगर आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस 4, ये हमारा कितना होता है 60 होता है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट, तो ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 26, तो लार्जेस्ट साइड हमारा 26 हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट साइड पूछा जा रहा था, 26 इज द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, इफ पी एंड बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट ए एंड बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी सच दैट एंगल एफ ए बी इक्वल टू 78 डिग्री, देन एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, तो पी ए है ये, पी ए ये पी ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यहाँ से आया उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद एक लाइन जो है यहाँ पे है। ओके
तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एपीपी 78 डिग्री, एपीपी ये हमारा कितना है 78 डिग्री है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं पीए क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हम जानते हैं पी ए ओ बी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये मीन्स ये 78 है तो सारा एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, और यहाँ पे ये इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 होगा। तो 180 में अगर आप 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 102, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 102 डिग्री हो जाएगा। अगर फ्रंट हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी को पे फोकस करें तो हम जानते हैं कि ओ ए ओ बी क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो हमारा ये एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मीन्स 102 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 डिग्री हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है 39 डिग्री, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 10th क्वेश्चन में हमारा है एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल इक्वल टू 66 डिग्री, फाइ इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, देन द मेजर ऑफ एंगल बी आई सी विल बी, तो ए ये बी ये सी ये आई है, एंगल इक्वल टू 66 डिग्री है, एंगल इक्वल टू कितना है 66 डिग्री, ये हमको 66 डिग्री है, तो एंगल बी आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थ्योरम है 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय टू, एंगल ए बाय टू मीन्स 33 डिग्री, मीन्स 123 डिग्री, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को चलिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमको 308 बाय 5 डिवाइड, ये हो गया 10, ये हमको 4 हो गया, ये हो गया 41 माइनस 78 ये 5 टाइम्स में ये 39, तो ये हमारा हो गया 81/85 माइनस, ये 308 बाय 5 है, ये डिवाइड है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसको यहीं पर हम रफ वर्क करें तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 308 बाय 5, फ्रेंड्स इसका वैल्यू हमको 308 बाय 5 आया, तो 308 बाय 5 डिवाइड 308 बाय 5 दोनों कैंसिल होकर के आपस में क्या हो जाएगा, ये 308 है तो ये कैंसिल होगा कि ये कैंसिल होगा कि हमको 1 आंसर आ जाएगा, तो 1 हमारा ऑप्शन डी में, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को, 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है, अबाउट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4800 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 30%, विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज, तो सीपी कितना है हमको, सीपी लेट हम 100 मान लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्ड कर रहे हैं 30% पे, मीन्स एसपी जो है हमारा कितना है 70 हो गया, विद दिस अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल, फिर जो अनदर आर्टिकल को हम परचेज करते हैं उसको हम 60% पे बेचते हैं, तो नया न्यू एसपी कितना हो जाएगा, एसपी डैश हो जाएगा 70 का 160%,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पांच, ये हमारा गया 112। तो कितने का प्रॉफिट हुआ अगर हम लोग फाइनली कंपैरिजन करें, यहाँ 100 या 112 है तो 12% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गेन 12% हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन में हमारा क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर एंड हॉल्ट एट 5 जंक्शन फॉर ए सर्टन टाइम। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन वन डे। फॉर हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ए जंक्शन इफ इट हॉल्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल द जंक्शंस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड कितना है, 66 है, 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 1485, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल हो जाएगा हमको 1485/66। इसको अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 ये 3 है, तो 3 2 6 45/2 आया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम इक्वल टू हमको आ जाएगा 22.5 आवर्स, मत 22.5 आवर्स आ गया। तो वन डे में कितना आवर्स होता है फ्रेंड्स, 24 आवर्स। 24 आवर्स में जो है वो 22.5 आवर्स चला, मतलब वो जंक्शन पे कितना आवर रुका, जंक्शन पे जो रुका उसको हम टी डैश मान लेते हैं। 24 में अगर आप 22.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 1.5 आवर्स वो जो है जंक्शन पे रुका, ओके। तो टी डैश मीन्स जो जंक्शन पे रुकने का टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 आवर्स है। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएगा। कितना जंक्शन है हमको, 5 जंक्शंस है और हर जगह इक्वल सेम पीरियड ऑफ टाइम देना है, तो 5 जंक्शंस है। तो 5 जंक्शंस का हमको लगा, 5 जंक्शंस का हमको लगा, 5 जंक्शंस का लगा हमको 90 मिनट्स, 5 जंक्शंस पे हमको 90 मिनट लगेगा। तो 1 जंक्शंस पे कितना मिनट लगेगा, तो ये हमको हो जाएगा 80 मिनट। तो हर जंक्शन पे कितना मिनट रुकेगा, 80 मिनट रुकेगा, 18 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में हमारा क्या है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, इट टचेज ए बी बी सी ए सी एट एट पॉइंट्स आर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। पे क्यू इक्वल टू 6.5 एंड पी सी इक्वल टू 7.5 एंड बी आर इक्वल टू 9, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विल बी। तो सबसे पहले एक क्या है हमारा, एक सर्कल है और एक तो ये हमको है ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी टचेस ए बी, ए बी बी सी, ए बी को आर, ए बी को आर पे, ए बी को आर पे, बी सी को पी पे, बी सी को पी पे, ए सी को क्यू पे। ए क्यू 6.5 है, ए क्यू कितना है 6.5, ए क्यू कितना है 6.5 है। उसके बाद पी सी 7.5, पी सी 7.5 है। उसके बाद बी आर कितना हो जाएगा, ये नाइन है। अगर ऐसा है ये 7.5 है तो ये भी 7.5 हो जाएगा, ये भी 6.5 हो जाएगा, ये भी हमको 9 हो जाएगा। मीन्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसा कि 9 into 9 9 है 9, 9 2 18, 6.5 6.5 13, 7.5 7.5 15, 46 cm। तो हमारा जो है कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 46 cm, सी इज द राइट आंसर।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन में हमारा क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 7:5 इफ ए एंड बी से 4,000 and 33,500 रिस्पेक्टिवली। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी। तो रेशियो ऑफ इनकम, इनकम ए है हमको और बी है, यहाँ पे इनकम है, ओके। द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी, ये कितना है हमको 7:5 है, 7:5 ए एंड बी से 4,000। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, 2 है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ओके। देन टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी विल बी, ये हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ बी, उसके बाद सेव कितना करता है, सेविंग भी अगर हम लोग देखें तो सेविंग हमको ए कितना कर रहा है, ए से फोर थाउजेंड। उसके बाद बी सेविंग कितना करता है, 3,500, ये हो गया। 7-5, 2 आ रहा है, 2-1 कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इज़ टू 1, 2 ज़ा 2, तो ये यहाँ पर हमको आ गया 7:5। अब हम लोग इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मीन्स 7 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7i इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर 4e प्लस सेविंग प्लस कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर इक्वल टू 5i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2e प्लस 3,500। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो टू टू ज़ा फोर, इसको अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आ जाएगा 5 2 ज़ा 10i इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4e प्लस 7,000 आ गया। उसके बाद इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस थ्री आई, इससे फ्रेंड्स हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये -3,000, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा हमको 1,000 हो गया। तो टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, टोटल इनकम हमको है 7 + 5 = 12 यूनिट, मीन्स 12,000 हो जाएगा हमारा टोटल इनकम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 16th क्वेश्चन में हमारा है, इफ 7 sin² θ + 3 cos² θ = 4, θ लाइज बिटवीन 0 and 90 degree, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, थीटा विल बी। तो चलिए सबसे पहले हम 30 degree पुट करके देखते हैं, 7 into 1/2 मीन्स 1/4 प्लस क्या हो जाएगा, 3 + 3 √3/2, √3/2 मीन्स 3/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 7/4 + 9/4 = 16/4, ये हमको आ रहा है 4 के इक्वल, मीन्स LHS = RHS। तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 degree, फर्स्ट ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन को। 17th क्वेश्चन में क्या है, हमें वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, द वैल्यू ऑफ,
तो चलिए थ्री, टेन सिक्सटी कितना होता है, टेन सिक्सटी का वैल्यू होता है थ्री होता है, जीरो वन बाय रूट थ्री, वन रूट रूट थ्री होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो हमको थ्री आ जाएगा, प्लस प्लस सेक थर्टी कितना होता है, वन बाय टू, जीरो वन बाय टू, जीरो रूट थ्री बाय टू मीन्स फोर बाय, ये हो गया माइनस वन बाय टू। उसके बाद नीचे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस कॉस फिफ्टीन प्लस कॉस फिफ्टीन, तो कॉस फिफ्टीन हो गया इंटू इंटू सेक टू सेक फिफ्टीन हो जाएगा। उसके बाद ये नाइन हो जाएगा हमको, नाइन 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 प्लस फोर बाय थ्री माइनस वन बाय टू कॉस फिफ्टीन से ये कट गया, ये आएगा हमको फोर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, सिक्स आएगा, फिफ्टी फोर प्लस प्लस बाय फोर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिफ्टी नाइन, फिफ्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे एटीनथ क्वेश्चन को, एटीनथ क्वेश्चन में क्या है हमारा, डी आई का क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय सी, सी का कहाँ यहाँ है, तो एट सेवन फिफ्टीन नाइन टू टू फोर्टी, टू फोर्टी को थ्री से डिवाइड करेंगे हमको आएगा एटी, एटी किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी इज़ द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे नाइनटीन क्वेश्चन को, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 77,200 फॉर 18 मंथ्स एट ए रेट अप टू 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली। तो जैसा कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा टाइम कितना है फ्रेंड्स, टाइम हमारा है थ्री बाय टू है, और रेट कितना है, टाइम को फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा थ्री ईयर हो जाएगा टाइम। उसके बाद रेट, रेट कितना है फ्रेंड्स हमको ट्वेंटी है, इसको टू से डिवाइड करेंगे, रेट हमारा हो गया 10%, ओके 10% रेट हो गया। उसके बाद अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है पी इंटू, पी कितना हमको 7200, पी इंटू थ्री ईयर का है तो 110 बाय 100 इंटू 110 बाय 100 इंटू 110 बाय 100, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे सारा को, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से इसको कैंसिल कर लेंगे, अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा हमको 13,72 इंटू 1331 बाय 10, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमको आएगा 9583 आएगा, 9583 आया, तो सी आई इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, अमाउंट हमको इतना आया, सी आई इक्वल टू होगा ए माइनस पी मीन्स 9583 माइनस 7200, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23383, जो हमारा ऑप्शन बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वेंटीएथ क्वेश्चन को, ट्वेंटीएथ क्वेश्चन में हमारा है फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 32 cm बाय 18 cm और स्क्वायर ऑफ साइड थ्री, ऑफ साइड थ्री सी एम इज कट फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द सीट एंड ए बॉक्स इज मेड, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे, ये नहीं हुआ, ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, एक यहाँ से एक स्क्वायर
को कट किए, यहाँ से स्क्वायर को कट किए, यहाँ से स्क्वायर को कट किए हैं और फिर यहाँ से स्क्वायर को कट किए हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर को कट किए हैं। उसके बाद इसका लेंथ हमको कितना है, 32 है, इसका लेंथ हमको कितना है, 18 है, और स्क्वायर का साइड कितना है, 3 है, मीन्स 3 ये हुआ, 3 ये हुआ और 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, सारा साइड 3 है। तो फ्रेंड्स ये जो कट कर दिए हैं, कट करने के बाद रेस्ट जो पार्ट बचता है हमको, रेस्ट जो पार्ट बचा जैसा कि ये इसको हमने कट कर दिया, तो रेस्ट जो पार्ट क्या बचा हमारा, रेस्ट पार्ट हमारा ये बचा, ये इसको फिर हमने क्या किया है, इसका हमने क्यूबॉइड बना लिया है, मीन्स इसको हम बैंड कर करके क्यूबॉइड बना लिए हैं। तो चलिए देखते हैं लेंथ में कितना, लेंथ में लेंथ न्यू लेंथ क्या होता है, न्यू लेंथ हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स एल इक्वल टू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक 32 है, यहाँ से यहाँ 32 है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 26 हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 18 है, 18 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जस्ट इसी को हमने ऊपर किया है, तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी एच, मीन्स 26 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्यूबॉइड का, जो क्यूबॉइड फॉर्म करेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 6 9, तो 9 3 6 ये हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन को। जैसा कि फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, इफ ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, 4x 5x, यहाँ 3 है फ्रेंड्स, 3 2 6 6, 5 6 11x, 11x हो गया, -5 -2 -7 -7 3 5 = 15, 15 -15 -7 -22, ये इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस 3/2, मीन्स 2 प्लस 3/2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, तो 2 आ गया 4 7/2, तो 7/2 हमारे किस ऑप्शन में, डी में है फ्रेंड्स, नीचे 2 है फ्रेंड्स डी में, 7/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 22nd क्वेश्चन को। 22nd क्वेश्चन में हमारा क्या है, 22nd क्वेश्चन में हमारा है, इफ़ 9x² - 6x + 1 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 27x³ + 1/27x³। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग 3x से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको 3x, 3x करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, ओके, माइनस माइनस 2 प्लस 1/3x ये इक्वल टू 0, तो ये हमको हो जाएगा 3x + 1/3x ये इक्वल टू हो जाएगा हमको 2 हो जाएगा। तो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कैंसिल हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, 2 हो जाएगा इस साइड, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 27x³ + 1/27x³ इक्वल टू 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 23rd क्वेश्चन को। 23rd क्वेश्चन में हमारा है, इन विच मंथ इज द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसीज 20% मोर देन इट्स टारगेट प्रोडक्शन, तो किस साल 20% ज़्यादा है टारगेट प्रोडक्शन से, टारगेट ब्लू वाला हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 है और इसमें कितना है,
एक्चुअल में 120 है, तो 20% हमारा मे में ही ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स मे हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन को, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ द कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसिस फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसिस फ्रॉम मार्च टू मई, जनवरी से अप्रैल एसिस टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन कितना है जनवरी से मई, जनवरी से अप्रैल मीन्स 260 हो गया बाय एक्चुअल प्रोडक्शन एसी का मार्च टू मई मीन्स यहाँ से मार्च में 100, अप्रैल में वह 300, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 13 अपॉन 15 जो हमारा 13:15 जो हमारा ऑप्शन सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% 20% एंड 15% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, लेट एक 100 है इसका 18% मीन्स 82 बाय 100, फिर क्या हो जाएगा 19 बाय 100, अगेन 85 बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसको कैंसिल करेंगे, इस 00 से इस 00 को कैंसिल करेंगे, सेकंड इसको इसको कैंसिल करेंगे, उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें नीचे तो आएगा 1000 आएगा, यहाँ आया 85, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 62730 बाय 1000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये आया हमको 62.37, ये आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करके बताना है, सिंगल डिस्काउंट। अब फ्रेंड इसको अगर हम 100 में माइनस 62.37 को अगर करेंगे तो क्या आएगा हमको 37.27 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है, तो बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड बाय एंड टेक केयर।